हरे कृष्णा, वेलकम अगेन इन माय चैनल वृंदावन कुंज गली। तो गाइज, आज हम आप सभी की डिमांड पर दोबारा आ चुके हैं अपनी नोएडा प्रॉपर्टी की वीडियो बनाने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर लें, ताकि वृंदावन और NCR दोनों जगह की प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो गाइज़, जो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग नोएडा की जो मैंने पहले वीडियो डाली थी, उस टाइम आपने लैंड देखी थी कि रोड्स की केवल हमने मैपिंग की थी। अब जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये एंट्रेंस रोड है, ये पूरा आपका इस पर काम चल रहा है। हालांकि यहाँ अभी हाल फिलहाल में बारिश कुछ हुआ था, इसकी वजह से आज काम स्टॉप है। तो ये पूरा रोड का डायमेंशन पूरा हो चुका है। इवन आप देखेंगे तो यहाँ पे जिसका कॉर्नर प्लॉट है, उन्होंने अपने यहाँ पे बोरिंग भी करा लिया है और अपना वो कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट करा रहे हैं। तो अभी तो हमारा रोड काम चल रहा है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सामने आप बिल्डिंग देख ही रहे हैं, वो डबल स्टोरी का एक PG बन रहा है, यानी पेइंग गेस्ट। वो माता जी हैं जो बनवा रही हैं, और नीचे उन्होंने 4 कमर्शियल शॉप्स निकाली हैं। तो जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि यहाँ पे केवल और केवल आप अपना रेजिडेंशियल के साथ साथ अपना कमर्शियल्स PG भी वो बहुत चला सकते हैं। सामने सारी बिल्डिंग एक बार जूम करके दिखा दो, सारे कैंपस कॉलेजेस बने हुए हैं लाइन से। यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो हब जैसे होता है ना, सब्जी मंडी, इस तरह से यहाँ पे ये कॉलेजेस मंडी है, पूरी हब है। बड़े बड़े इंटरनेशनली ब्रांड कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और उनको PG की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो अपना कोई भी प्लॉट लीजिए और सीधा अपना 2 मंजिल 3 मंजिल बनाइए, क्योंकि 3 मंजिल आपका अप्रूवल पास होता है, और अपना उसको रेंट आउट कर दीजिए। यहाँ पे नौबत यहाँ तक है कि अगर आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत आपके पास बच्चे आ जाएंगे, जो हॉस्टल्स कॉलेजेस के बच्चे हैं वो बुकिंग पहले ही कर जाएंगे आपका। ये नौबत यहाँ पर है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हम करके दे रहे हैं, आप रोड देख ही रहे हैं, पूरा रोड का काम चल ही रहा है। और इसमें आपका लाइट्स, आपकी फैसिलिटी रहेगी, पानी आपका हो ही रहा है, बोरिंग का सारा काम। इसमें सबसे पहले जो हमने इसमें कवर किया है, अपनी प्रॉपर्टी को पूरा बाउंड्री वॉल से कवर किया है। बाउंड्री वॉल थोड़ा जूम करके दिखा दो, ये पूरा सीमेंटेड वॉल, हमारा पूरा बाउंड्री का काम चल रहा है। इधर से बाउंड्री आप देख ही रहे हो, रोड पे ये पूरी आपकी गिट्टी पड़ी हुई है, रोड का काम चल रहा है इसमें। तो इसमें प्लॉट का साइज हमारे पास 150 गज के कॉर्नर्स प्लॉट अभी अवेलेबल हैं हाल फिलहाल, और बाकी 100-100 गज की बेल्ट भी है। फेसिंग बहुत अच्छी है, आपको वेस्ट फेसिंग मिल जाएगी, नॉर्थ फेसिंग मिल जाएगी, ईस्ट फेसिंग मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा सिर्फ एक ही है, जो मैं बार बार बोला हूँ, दूसरी बार वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जस्ट आपका 5 से 10 मिनट की दूरी पर आप एक जगह बैठ जाएंगे, जहाँ पे आपकी हाई लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो जाएगा। कि अगर आप 1 रुपया भी लगा रहे हैं, उसको ये मान के चलो कि वो आपका 2 से 4 रुपया तो होना ही होना है आने वाले कुछ समय में। आपको मैंने बार बार दिखाया था कि यहाँ पे पूरा जो फेज 1 है वो हमारा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अब ये हमारा फेज 2 की बारी है, जिसको हम डेवलप करने में लगे हुए हैं, और ये भी बहुत जल्दी हमारा सेल होने वाला है। सामने लास्ट में जो है वो प्राइवेट स्टेडियम है बच्चों का खेलने का, तो वहाँ तक हमारी लास्ट वॉल है सोसाइटी की। और जैसे जैसे अगर हमें कोशिश हुई, हमें आगे लैंड मिली, तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारा ये जो बाउंड्री वॉल जितनी है वो सारी यूनिट ये मतलब प्रॉपर्टी की है ही अभी हमारी। तो गाइस, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जैसे हम लोग वृंदावन से यहाँ पे अपना आते हैं वीक में 1 बार 2 बार 3 बार, तो वृंदावन से मात्र हमें टाइम लगता है मुश्किल से 1.5 घंटा। वृंदावन को क्रॉस करने में टाइम लगता है, लेकिन हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो उसमें 1.5 घंटा 1.25 घंटा कोई ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ना कोई ट्रैफिक रश, ना कोई भीड़ भाड़ का इलाका, सीधा हाईवे से आप नीचे उतरेंगे, आप मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, यहाँ का नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है, जो कि बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। उसके बगल में ही आपका वो मतलब परी चौक पे बना हुआ है, तो बहुत मतलब स्पेशियस एरिया, ऐसा कंजेस्टेड नहीं। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत है, बट रोड्स की वाइडनेस को देखते हुए और कनेक्टिविटी को देखते हुए तो बहुत मतलब प्राइम लोकेशन है। मैं फिर यहाँ पे आपको लास्ट में बोलता हूँ कि यहाँ पे इतने कॉलेजेस बने, ये कॉलेजेस कहीं उठ के नहीं जाने, और यहाँ पे लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हर रोजाना यहाँ पे एडमिशन भी लेते हैं और रह भी रहे हैं। तो गाइज, उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉलेज कैंपस में पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता, तो उनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है कि उनको PG हॉस्टल चाहिए, जो यहाँ पे उनको लेना ही लेना है, मजबूरी बन जाता है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं और आपके लॉ कॉलेज के बच्चे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो गाइज, आपके लिए, आपके पास अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान हम आपको दे रहे हैं,
जहाँ पे आप बना के रह भी सकते हैं और कमर्शलाइज तो अपनी खूब चलाइए, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति ने अपने घर में एक पीजी चलाया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती रहती है। तो गाइज आज इस प्रॉपर्टी पे मेजरली वॉल का काम हमारा कंप्लीट होने वाला है, रोड्स का चल ही रहा है हमारा काम, और बाकी जो थोड़ा ग्रीनरी वगैरह का वर्क है वो भी हम करके दे रहे हैं आपको। तो अभी आप जो हमारे पास प्लॉट अवेलेबिलिटी है 100 और 150 का है, आप अपना बुक करा सकते हैं इमिडिएटली। हमारे नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे हमें व्हाट्सअप मैसेज करके आप बुक करा सकते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को करते रहें सब्सक्राइब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गाइज ये आप देख रहे हैं हमारा रोड का काम चल रहा है, पूरा गिट्टी का काम चल रहा है, बहुत फास्ट यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट फास्ट का यही कारण है क्योंकि यहाँ पे मिनट मिनट में बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है पीजी हॉस्टल के लिए, और इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि ये विद इन 3 to 4 months में पूरा डेवलपमेंट हम ख़त्म कर दें, ताकि लोग अपना पोजीशन लेके बनाना स्टार्ट कर दें। हालांकि कुछ कुछ लोगों ने तो अपना स्टार्ट भी कर दिया है, उन्होंने सबसे पहले अपने प्लॉट पे बोरिंग का ही काम कराया। ये देख रहे हैं आप, ये सब गिट्टी पड़ी हैं, ये सब रोड के काम के लिए हैं, और यहाँ पे पूरा ये बाउंड्री वॉल भी हो रखा है। ये आपको बाउंड्री वॉल दिख ही रही है, ये हमारा सोसाइटी का दूसरा गेट है। तो ये आप सामने देख रहे हैं जो बिल्डिंग बन रही है, ये फेज़ 1 की बिल्डिंग है हमारी। तो फेज़ 1 में भी हमने पूरा RCC रोड करके दिया है, और फेज़ 2 में भी यही प्लान है हमारा। जो फेज़ 1 में सुविधा है वो सारी सुविधा जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती हैं वो हम आपको इसमें करके दे रहे हैं। देखो अभी जिस रेट में यहाँ प्रॉपर्टी मिल रही है, मुझे तो वो रेट बहुत नॉमिनल लग रहा है। अब आने वाले टाइम में इसका ये रेट तो नहीं रहना, सीधा डबल तो जाना ही जाना है, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर्टी खेत खलिहान होती है जब तक ही वो आपके सस्ते रेट पर रहती है। आप देख रहे हैं ये भी आपका काम, रोड का काम चल रहा है हमारा। तो जब तक आपका, मैं ये बोल रहा था कि जब तक वो प्लेन रोड है या प्लेन खेत है सॉरी, तो वो तब तक ही सस्ती है, वरना आने वाले टाइम में तो फिर वो डेवलपमेंट के बाद महंगी होनी होनी है। तो अगर आप लोगों का बजट है तो अभी इमिडिएटली इस प्रॉपर्टी को आप बुक करा सकते हैं। इसके रेट के डिस्कशन रिगार्डिंग आप हमसे व्हाट्सअप पे, जो नंबर स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है उस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे सारी डिटेल ले सकते हैं। तो गाइज होपफुली कि आपको समझ आए कि क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्योंकि परी चौक के पास प्लॉट होना यही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए इसको, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको नहीं मिलेगी।